अरे यार कुछ ऐसे मैकेनिक है जो मेरी वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के सीखते हैं काम और बहुत इंस्पायर होते हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में जो कस्टमर से आपका झगड़ा होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, वो बच जाए, ठीक है। क्योंकि ये मैं आपको पूरा प्रॉपर फोकस के साथ कह सकता हूँ, एक इंस्पायर होकर किसी चीज़ से, क्योंकि जो मेरे पास बाइकें आती हैं वो काफ़ी दूर दूर से आती हैं और उनमें जितने भी काम निकलते हैं मैं देख के हैरान रह जाता हूं। और जो भी मेरे पास कस्टमर आते हैं बेचारे दुखियारे आते हैं बहुत ज़्यादा, अपनी बाइक से दुखी परेशान, जो अपनी बाइक में मतलब बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी बाइक को ठीक करने की पूरी चिंगारी जो आग में लगाता है ना, जिसमें यहाँ पर बर्न वाली बातचीत तो वो देनी पड़ती है, उसके बाद जाके उनकी गाड़ी में पैसा लगता है और ठीक होती है, उसके बाद जाके वो गाड़ी ओके होती है। अपने राजवीर भाई जो हम हैं, हमारी पूरी टीम है, उसके अकॉर्डिंग वो गाड़ी चलती है रोड पर, बट जब हम गाड़ी खोलते हैं तो कुछ ऐसी हमें चीज़ें मिलती है जिससे हमें शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एल्फी है, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ ऐसे खराबियाँ हैं जो अपनी हरकतें करते हैं बेवकूफ़ वाली, और कुछ ऐसे मैकेनिक है जो हरकतें करते हैं बेवकूफ़ वाली। कल हम एक खराद वाले के पास गए और बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, उस खराद वाले का हेड देखा मैंने, हेड उसमें ग्रैंड हो रखा था, और उस एक मैकेनिक आया हुआ था वहाँ पर, मैं नहीं जानता था उस मैकेनिक को मैकेनिक कौन है, पर जो उस मैकेनिक का जो कन्वर्सेशन था हेड वाले से, खराद वाले से, तो वो ये था कि भाई मैं इस गाड़ी का इंजन बांध रहा हूँ, एक गाड़ी का इंजन फिट कर रहा हूँ, और आप इस गाड़ी के हेड को ओके कर देना। हेड होता क्या है, हेड ये होता है, हेड में क्या करा रहा था वो, हेड के जो वॉल्व होते ना ये वाले, वो नहीं डलवा रहा था खराद वाले से ग्रैंड करा के। खराद वाला उसे बोल रहा था भाई ये वॉल्व नहीं चल पाएंगे, आप इसको नहीं डलवा दो ओरिजिनल। तो वो जो मैकेनिक था उसने क्या करा, लोकल वॉल्व दे दिया उसको खराद वाले को। अब खराद वाला क्या करे, तो भाई वो तो डालने पड़ेंगे उसे। तो मैंने उसने जब वाल्व ओके किया और जब मैकेनिक को पकड़ाया, तो मैंने एक बार हेड उससे मांगा और मैंने सबूर से बोला भाई मेरे को दिखाना एक बार जरा। और जब मैंने उस गाड़ी का हेड चेक किया तो भाई साहब इतनी बुरी हालत थी ना उस गाड़ी के हेड की, तो मैं बता नहीं सकता। फिर बाद में मैंने इमेजिन किया कि यही ऐसे ही कुछ मैकेनिक हैं जो जिंदगी झंड कर देते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, और बाद में मैकेनिक का बदनाम होता है नाम, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये खराद वाले होते हैं जो क्या करते हैं, जब हम गाड़ी के अंदर हेड के अंदर वाल्व गाइड डलवाते हैं, तो वाल्व गाइड क्या होते हैं एक्चुअली, पहले मैं समझ लो वाल्व गाइड होते क्या हैं। देखो हमारी बाइक में एक बाल होते हैं, जैसे कि आप सभी को होता है जितनी भी टू स्ट्रोक बाइक थी उसमें बाल नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ पिस्टन होता था और उसके ऊपर पूरा हेड होता था, उसके अंदर प्लग होता था, और जिसके टंकी में पेट्रोल टैंक के अंदर टूटी ऑयल डलता था, ठीक है, या फिर उसके अंदर ऑयल वाला जो टूटी ऑयल पंप होता वहाँ डलता था। दो तरीके होते थे ऑयल डलने के, पर उसके बाद टू स्ट्रोक कर दिया भारत में हमारे गवर्नमेंट सरकार ने बंद, क्योंकि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम। अब फोर स्ट्रोक आ गया, फोर स्ट्रोक में भी वो BS6 BS4 वगैरह आ रहे हैं, क्यों, उसका रीज़न क्योंकि भाई पॉल्यूशन। तो BS6 क्यों निकाला गया, क्योंकि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस BS6 में क्या खासियत है इंजन में, इसके में वॉल्व दे रखे हैं, मैं सिर्फ वॉल्व की बात करूंगा फिलहाल। वॉल्व होते क्या हैं, जब पिस्टन के ऊपर ब्लास्ट होता है तो वॉल्व जो है उसका जो कचरा होता है उसको बाहर फेंकता है एक वॉल्व, और दूसरा जो वॉल्व होता है उसके अंदर इनलेट का काम करता है, इनलेट और एग्जॉस्ट। पर ये वॉल्व के ऊपर रॉकर होते हैं, रॉकर क्या होते हैं, रॉकर होते हैं यहाँ पर लगे होते हैं रॉकर, जिसको हम टैपेट सेट करने के लिए बोलते हैं। टैपेट सेट करना मतलब रॉकर सेट करने होते हैं। अगर कोई मैकेनिक आपसे बोला ना टैपेट्स के लूज रहेंगे, तो उसका मतलब रॉकर के बीच में जो वॉल्व होते हैं, वॉल्व और रॉकर के बीच का जो गैप होता है उसको टैपेट बोलते हैं। बट इतनी सारी मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूँ वीडियो का विषय क्या है। देखो, जब हम गाड़ी में वाल्व डलवाते हैं खराब होने के बाद, तो वाल्व को ग्रैंड होते हैं, ठीक है। वाल्व ग्रैंड किस में होते हैं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाल्व है, ये अगर हमने नए ले लिए तो हम इसको ऐसे नहीं डाल सकते हैं, ऐसे डाल भी देते हैं कोई मैकेनिक होते हैं जल्दी जल्दी में, पर वो कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद एवरेज की प्रॉब्लम, माइलेज की प्रॉब्लम स्टार्टिंग की और पिकअप की प्रॉब्लम आने लगती है। बट ये वॉल्व नए लेने के बाद खराद वाले पे जाना पड़ता है इसको ग्रैंड कराने के लिए। ग्रैंड होते किसमें, इसकी जो सीट होती है, ये वाली जो सीट है, ये वाली सीट जो है इसमें ग्रैंडिंग होती है और इसकी सीट बनती है। उसके बाद वाल्व और सीट रिपेयर होने के बाद हमारी बाइक में जो एयर प्रेशर होता है इसके अंदर वो बनता है, जिसकी वजह से हमारी बाइक में एक अच्छा खासा पिकअप मिलता है। और वाल्व गाइड होते हैं, वाल्व गाइड क्या काम करते हैं, वाल्व गाइड हर किसी मोटरसाइकिल में होते हैं, चाहे वो सुपर बाइक हो, चाहे वो नॉर्मल बाइक हो, चाहे वो 100cc के हो, 125 के हो, 125 के अलावा 135, 100cc, या एक कह लूँ मैं जिक्सर ही क्यों ना हो, या बजाज की, टीवीएस की, यामा की, सुजुकी की, कोई सी भी हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पर एक सुजुकी की गाड़ी का इंजन फिट कर रहा था, हमारी टीम फिट कर रही थी, और जब हमने देखा पूरा जाना तो हमने देखा कि यार ये क्या हो रखा है इसके अंदर। जब हमने पुराना वाला हेड, ये इसका जो ये इसके अंदर जो है पुराना हेड नहीं है, नया हेड है, ब्रांड न्यू हेड डाला हमने। मैं इसका आपको पुराना हेड दिखाता हूँ, ये है हमारे पास पुराना हेड, ये इसका पुराना हेड है। अब हर हेड के अंदर दो गाइड लगते हैं, क्योंकि इसमें दो वाल्व होते हैं, जिसमें चार वाल्व आती हैं। जैसे ना टीवीएस अपाचे 4V, तो उसमें इसका मतलब 4V चार वाल्व हैं। अब ये 2 है, यानी कि दो वाल्व, एक आई थी टीवीएस की फ्लेम उसमें 3 वाल्व। तो ऐसे करके दो वाल्व वाली जो गाड़ी है मेरे को ज़्यादातर पसंद है, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है इसमें गाइड डले होते हैं, दो वाल्व का मतलब दो गाइड। अब ये गाइड देखो, एक गाइड ये रहा, ठीक है, और एक गाइड ये रहा, एक गाइड ये रहा, एक गाइड ये रहा। ये दोनों ही गाइड जब चेंज करने पड़ते हैं, जब आपकी गाड़ी में ज़्यादातर चनचनाहट की आवाज़ आती है, या फिर गाइड में जब वाल डलवा लेते हैं उसके बाद भी गाइड में साइड प्ले आती है। अब साइड प्ले होती क्या है, जब हम वाल डालते हैं तो वाल के गाइड ऐसे हिलने नहीं चाहिए, अगर ऐसे हिल रहे हैं तो उसका मतलब वो गाइड ख़राब हो जाते हैं। हम गाइड डलवाते नहीं है, इंजन का काम करा लिया 4000 रुपये में, उसके बाद भैया नाश पिट जाता गाड़ी का पूरा,
तो ऐसा इस गाड़ी में हुआ, इस मैकेनिक, इस जो कस्टमर है हमारा, इसने एक गाड़ी का काम कराया, इसने यही वाली गाड़ी का, उस मैकेनिक ने क्या किया, कलाकारी देखो भाई, आप भी हिल जाओगे देख के। ये देखो भाई, ये केम शाफ्ट पुरानी वाली है, और ठीक है, इस खराब केम शाफ्ट में बैरिंग पेल दी है, ठीक है, खराब बैरिंग, लोकल बैरिंग, और ये जो था इसको फिट करते समय तोड़ दिया और तोड़ के वेल्डिंग कर दिया। ये देखो, ये पूरा वेल्डिंग काम हमारा इसके अंदर। पर मैं आपको बता दूं, जब एक चीज़ टूट जाती है, अब खासकर ये इसके अंदर, ये देखो पूरा वेल्डिंग से टूटा पड़ा, देख रहा हूँ, ये देखो, ये पूरा इसकी हालत देखो, अब ये वेल्डिंग से टूट गया। अब मैं इसको एक चीज़ को लेकर हैरान था, अगर ये मैकेनिक से टूट गया था तो मेरा फर्ज ये बनता है, या उस मैकेनिक का फर्ज ये बनता है कि इसको वो चेंज करके डाले इसके अंदर, क्योंकि अगर ये सुजुकी गाड़ी है और इसको पूरा प्रॉपरली फिट कर रहे हैं हम, चाहे वो टीवीएस की अपाचे गाड़ी है, ये कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें वेल्डिंग के पुर्जे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते हैं, जिसकी अगर हम डाल भी देते हैं तो जो हम नए पार्ट डाल रहे गाड़ी में, तो उस नए पार्ट की भी ऐसी की तैसी हो जाती है अगर हम जुगाड़ वाले पार्ट कोई भी गाड़ी में डालते हैं। तो इस वाले में ये वेल्डिंग का पूरा हड्डी, जो इसको बोलते हैं हम हड्डी बोलेंगे एक तरह से, ठीक है, वैसे तो कुछ और नाम है इसका, ऊपर की बॉडी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जो हमारे क्या नाम है इसका, हाँ, जो हमारे रॉकर होता है, रॉकर की बॉडी बोलते हैं इसको, तो ये रॉकर की बॉडी टूट गई थी। अब इसको टूटने के बाद दो टुकड़े हो जाते हैं, पर वेल्डिंग करने पर भी वो प्रॉपर फ्रेम नहीं आ पाता, जिसकी वजह से गाड़ी में रॉकर की सेटिंग आउट हो जाती है। और ये गाड़ी मेरे पास अभी इसका इंजन का काम हो रहा है, और इसके अंदर पूरा हेड चेंज हुआ है, क्योंकि इसकी गाइड में भी जुगाड़ कर रखा था। अब जुगाड़ भी क्या, कुछ ऐसे खराद वाले होते हैं जो गाइड डालते समय गाइड के साइड में एल्फी डाल देते हैं। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर होती है एल्फी, ये देखो, ये गाइड होते हैं वो खराद वाले, क्या करते हैं साइड में एल्फी घुसेड़ देते हैं, और एल्फी घुसेड़ के सोचते हैं वो गाइड जो है कामयाब हो गए। पर मैं आपको बता दूं, वो गाइड कामयाब नहीं होते, उनकी और ऐसी की तैसी हो जाती है गाड़ियों की, ठीक है। तो जो खराद वाले हैं, अगर वो गाइड में एल्फी डालते हैं, तो मैं यही बोलूँगा भाई, आप पूरा नाश मार रहे हो गाड़ी का, हेड का, और कस्टमर की आंखों में मिर्ची डाल रहे हो, तो ऐसा मत करो। और जो मैकेनिक है अपनी गाड़ी में लोकल वायर डलवाते हैं 60-70 रुपए, एक बात बताओ, क्योंकि भाई अगर आपको लगता है 4000 रुपए में इंजन बांध लोगे और अपना नाम कमा लोगे, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ये साफ क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है, इंजन की जिंदगी झंड मैकेनिक ही करता है। देखो भाई, कॉमन सी बात है यार, मैं एक बात बताऊँ, मैं भी तो मैकेनिक हूँ, मैं भी इंजन का काम कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल सामान डाल रहा हूँ, अगर ओरिजिनल सामान गाड़ी में निकला है तो ओरिजिनल तो डालूंगा। अब आप मेरे को अपनी बॉडी का, मेरे को अपना शरीर का ऑपरेशन कराना है, हार्ट का ट्रांसप्लांट कराना है, दिल का वैसे तो होगा नहीं ऊपर वाली तरह से, बट मेरे को कराना है, तो अगर डॉक्टर मेरे अंदर शरीर में लोकल दिल डाल दे तो भाई क्या होगा, कुछ होगा मेरा, मेरी जो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो यही गाड़ी होती है भाई, इस गाड़ी के साथ आप लोग मजाक करते हो तो यार ये मजाक जो है ना मत करो, 200-400 रुपये पीछे यार लालच में आके साला गाड़ी की रेड मार देते हो पूरी, तो ये चीज़ गलत है। इस गाड़ी का पूरा हेड चेंज हुआ है सिर्फ एक लापरवाही की वजह से, ये पूरा हेड 4-4.5 हज़ार रुपये का हेड है और चूरा चेंज हुआ है, ये चीज़ का मुझे बड़ा दुख हुआ। और कुछ ऐसे लोग थे, बेसिकली ये वीडियो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर बनाई गई है, मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लापरवाही ना करो, मेरी वीडियो से कुछ इंस्पायर हो जाओ, देखो सीखो यार, मैं हमारी वर्कशॉप है यहाँ पर, अगर आपको सीखना नहीं पता ना सीखे, कुछ ऐसे महाराज जो नीचे कमेंट करके बोलते हैं मैं ये है वो है, अरे भाई मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको आगे आपको आना है कुछ बातचीत करनी तो आ जाओ बातचीत कर लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कंसल्टिंग बिल्कुल फ्री है, आप आके बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेना बस, अपॉइंटमेंट के बिना मत आना, ठीक है भाई। तो भाई यही वीडियो है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड में यही बोलूँगा, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है और समझनी है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है फालतू बंदों की, मेरे को भी ना ही मेरे को कोई फर्क पड़ता है, ठीक है भाई। तो बाकी नॉलेज की बात है, नॉलेज आपको मिल रही है, मैं देता रहूँगा, आप लो मत लो, मेरी उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।